नई दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होनी है और ये बैठक लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जहां पर इस कोर कमेटी की बैठक में 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक होगी और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों का चयन को लेकर ये बैठक होगी। अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहेंगे, राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। और विशेष संवाददाता लाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ये कोर कमेटी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए अंकल, बिल्कुल, चूंकि कल रात को बैठे थे तमाम नेता, उन्होंने कर्मचारी पैनल तैयार किया है कुछ लोकसभा क्षेत्रों को लेकर, और आज दिल्ली में कोर कमेटी की मीटिंग होगी और उस कोर कमेटी की मीटिंग के बाद, यानी कि ऑलरेडी कल जो चुनाव समिति की मीटिंग होगी उसमें नामों पर चर्चा की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी पैनल घोषित नाम घोषित करती है, नहीं करती है अलग बात है, लेकिन मार्च के पहले सप्ताह तक करीब 15 सीटों पर पार्टी अपने फाइनल प्रत्याशी तय कर लेगी। ये माना जा रहा है कि चूंकि अब पार्टी लगातार मार्च से ही अपना जो तमाम कैंडिडेट है उनका चयन शुरू हो जाएगा, ऐसे में राजस्थान में एक्सरसाइज की जा रही है। करीब करीब दिक्कत क्या है कि 7 तो सीटें ऐसी हैं, 6 सीटें ऐसी हैं अक्सर जिसमें आपको कैंडिडेट बदलने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 3 तो लोकसभा आपके चुनाव जीते हैं सांसद और बाकी 3 जो चुनाव हार गए, तो ऐसे में माना जा रहा है पार्टी इन पर वापस, यानी कि 3 तो मंत्री बन गए, 2 मंत्री बन गए उनमें से आपके, बाकी जो 3 सीटें जिन पर आपने सांसदों को चुनाव लड़ाया लेकिन हार का सामना करना पड़ा, तो पार्टी सूत्रों का ये मानना है शायद उनको भी टिकट नहीं मिलेगी। तो ऐसे में 6 तो ये सीटें लोकसभा की हो गई, इसके साथ ही कुछ सीटें जिन पर पार्टी चेहरा बदल सकती है, ऐसे करीब 15 से 18 लोकसभा क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है कि वह नाम बदले जा सकते हैं। ऐसे में पहला जो पैनल जाएगा करीब 15 नामों का जो पार्टी ने कल कोर कमेटी की मीटिंग में तय हुआ है, उसमें उन नामों पर विचार किया गया है, तमाम ऐसे दिग्गज नेता चाहे विधानसभा का चुनाव हार गए हों या फिर ऐसे नेता जिनको विधानसभा का चुनाव किन्हीं कारणों से नहीं दे पाए हो, वो अब लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। तमाम नाम है, राजेंद्र राठौर टिकट मांग रहे हैं, सतीश पूनिया टिकट मांग रहे हैं, अरुण चतुर्वेदी टिकट मांग रहे हैं, राहुल राजेंद्र टिकट मांग रहे हैं, ऐसे कई दिग्गज नेता है पार्टी के जो टिकट मांगने की कतार में, उन पर भी मंथन और चिंतन किया गया, विचार किया गया है। अब उनमें से कितने नेताओं को टिकट मिलेगी वो तो पैनल सामने आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ऐसे में पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ कि इन दिग्गज नेताओं को टिकट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, नए चेहरों को कितना तवज्जो दी जाती है, तो ऐसे में तमाम विषयों पर कल रात को भी चर्चा हुई है और आज कोर कमेटी की मीटिंग में दिल्ली में भी चर्चा होगी, उसके बाद चुनाव समिति की मीटिंग में उन नामों पर लगभग फाइनल मोहर लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जानकारी के लिए इस बैठक के बारे में। तो राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे, 8 राज्यों की कोर कमेटी की ये बैठक बताई जा रही है, तमाम पदाधिकारी मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे और लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की जाएगी।